वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एस ए क्यू फ्रॉम ऑन किलिंग अ ट्री सजेशन 2025। इस चैप्टर से 2025 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कौन कौन सा सवाल आने वाला है उन तमाम सवालों को एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैप्टर से मैंने एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ताकि आपको उस वीडियो से हेल्प हो सके, वो भी एमसीक्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से पहला जो सवाल है, एक नंबर जो सवाल है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, व्हाट डज द पोएट जेब पटेल मीन बाय द स्टेटमेंट। इसका आंसर होगा द पोएट जेब पटेल मीन्स डैट इट इज नॉट इजी टू किल अ ट्री, इट इज नॉट इजी टू किल अ ट्री, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, Slowly consuming the earth. What does the expression consuming the earth means? ये 2019 में आया था। इसका आंसर होगा the consuming the earth means drawing vital nutrient from the earth. तीन नंबर जो सवाल है, How does a tree grow? ये 2017 में आया था। इसका आंसर होगा a tree grows slowly by consuming the earth, feeding upon its crust. ऑब्जर्विंग सनलाइट एयर वाटर फॉर ईयर्स। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट डज द वर्ड क्रस्ट मीन्स। आंसर होगा टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, द वर्ड क्रस्ट मीन्स द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इसका आंसर होगा। पांच नंबर सवाल है, व्हाट हैज द ट्री ऑब्जॉर्ब फॉर इट्स ग्रोथ, इसका आंसर होगा The tree has absorbed sunlight, air and water for years for its growth. Next जो सवाल है, important सवाल है, सिक्स नंबर, What does the expression hide refer to? या इस तरह से सवाल पूछ सकता है, What is the mean by leprous hide? यह 2020 में आया था आपके एग्जाम में, तो इसका आंसर होगा The expression leprous hide refers to the bark which is the probably rough and has mark. सात नंबर सवाल है, व्हाट कम्स आउट फ्रॉम द लिपोरियस हाइड, या इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा, व्हाट स्प्रोट्स आउट ऑफ द लिपोरियस हाइड, इसका आंसर होगा ग्रीन लीव्स स्प्रोट आउट ऑफ द लिपोरियस हाइड। आठ नंबर जो सवाल है, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, दिस का माना क्या है, इसका आंसर होगा दिस रिफर टू द हैकिंग एंड चॉपिंग, दिस रिफर्स टू द हैकिंग एंड चॉपिंग। नौ नंबर सवाल है, नॉट मच पेन विल डू इट, व्हाट डज द वर्ड इट रिफर टू, इट रिफर्स टू द टास्क ऑफ किलिंग अ ट्री, इट रिफर्स टू द टास्क ऑफ किलिंग अ ट्री। दस नंबर सवाल है, नॉट मच पेन विल डू इट, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सजेस्टेड, 2015 में यह सवाल आपके एग्जाम में आया था तो इम्पोर्टेंट है। द एक्सप्रेशन सजेस्टेड डैट द ट्री कैन गेट पेन फ्रॉम द हैकिंग एंड द चॉपिंग बट दे कैन नॉट किल इट कम्प्लीटली। ग्यारह नंबर सवाल, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्लेडिंग बार्क सजेस्टेड, इसका आंसर होगा द एक्सप्रेशन ब्लेडिंग बार्क सजेस्टेड द फ्लो ऑफ sap from the bark of the tree after hacking and chopping. Next जो सवाल है, what causes the bark of the tree a blade, ये 2019 में आया था आपके एग्जाम में, इसका आंसर होगा the hacking and the chopping causes the bark of the tree to bleed. Next जो सवाल है, 13 नंबर, what will rise from close to the ground, इसका आंसर होगा आपका curl green twigs will rise from close to the ground. अगला सवाल, what are the miniature bugs, आंसर होगा इसका
द कर्ल ग्रीन फिंग्स आर द मिनिएचर बॉस फ्रॉम वेयर वुड कर्ल ग्रीन ट्विग्स राइज. इसका आंसर है कर्ल ग्रीन मिनिएचर ट्विग्स विथ वुड राइज फ्रॉम स्टीम क्लोज टू द ग्राउंड. 16 नंबर सवाल, व्हाट वुड हैपन इफ द ग्रोथ ऑफ द मिनिएचर बॉस इट इज अनचेक्ड. इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसे नोट में उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिए. उम्मीद करता हूँ ये तमाम सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. व्हाट डज द एक्सप्रेशन एंकरिंग अर्थ सजेस्टेड. द एक्सप्रेशन एंकरिंग अर्थ सजेस्टेड दैट द रूट्स आर डीप रूटेड इन टू द अर्थ एंड दे आर होल्डिंग द ट्री टाइटली. 18 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज द फ्रेज अर्थ केव रिफर टू. 2016 में यह सवाल आया था. इसका आंसर होगा द फ्रेज अर्थ केव रिफर टू द होलो मैट आफ्टर अपरूटिंग द ट्री. नेक्स्ट जो सवाल है, विच पार्ट ऑफ द ट्री इज द मोस्ट सेंसिटिव वाइट एंड वेट. ये 2018 में आया था. या इस तरह से सवाल एक आया था, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ द ट्री. ये 2015 में आया था. इसका आंसर होगा द मोस्ट द रूट ऑफ द ट्री इज द मोस्ट सेंसिटिव वाइट एंड वेट. अगला सवाल, वेयर डज द ट्री स्ट्रेंथ लाई. ये 2019 का सवाल है. द ट्रीज स्ट्रेंथ लाइज इन द रूट्स. नेक्स्ट सवाल, वाई इज द रूट वेट. द रूट इज वेट बिकॉज इट सॉक्स वाटर फ्रॉम द अर्थ एंड पासेस टू द अर्थ. 22 नंबर सवाल, वाट रिमेन्स हाइडन फॉर ईयर्स इन साइड द अर्थ. आंसर होगा द रूट्स ऑफ द ट्री रिमेन हाइडन फॉर द ईयर्स इन साइड द अर्थ. 23 नंबर सवाल है, वाट स्कोर्च एंड चोक्स. वाट स्कोर्च एंड चोक्स द ट्री आफ्टर इट इज द पुल आउट. ये 2016 में आया था. इसका आंसर होगा द सन एंड द एयर स्कोर्च एंड चोक द ट्री आफ्टर इट इज द पुल आउट. नेक्स्ट जो सवाल है, इन द वाट फॉर्म ऑफ वर्स इन द पोएम ऑन द किलिंग ऑफ द ट्री रिटन. ये 2020 में आया था ये सवाल. इसका आंसर होगा द पोएम ऑन द किलिंग अ ट्री इज रिटन इन द फ्री वर्स. ये तमाम सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए. हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. शेयर भी कर दीजिए, एक लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए. मिलते हैं इस चैप्टर से अगला वीडियो में. लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन सा आने वाला है अगला वीडियो में देखेंगे.